गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज काफ़ी दिनों बाद मैं ब्लॉग बनाने जा रही हूँ। आज एक्चुअली बहुत दिन बाद मेरे पापा घर आ रहे हैं और उनको लिट्टी चोखा काफ़ी ज़्यादा पसंद है, तो मेरी मम्मी उनके लिए लिट्टी चोखा बना रही है। सो मैंने सोचा कि एक छोटा मोटा ब्लॉग ही बना देती हूँ। आइए फिर मैं आपको दिखाती हूँ। फिलहाल मम्मी ने बस अभी आटा ही साना, इसके बाद अभी बहुत सारा प्रोसीजर, तो जैसा कि हम सब जानते हैं ये भाई बिहारियों और झारखंडियों का फेवरेट ही होता है। वेल, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। आप लोग बताना कमेंट करके कि आपको कैसा लगता है लिट्टी चोखा। इनफैक्ट विंटर सीजन में, खास करके विंटर सीजन में तो काफ़ी ज़्यादा सबको पसंद ही आता है। मम्मी ऑलमोस्ट अभी आटा सान रही, मैं दिखाती हूँ। ये अब ऑलमोस्ट बन चुका है। इसके बाद हम इसके अंदर भरने वाले सत्तू, इसका मसाला ऐड करेंगे एंड फिर चटनी। ये मेरी दादी ने, सॉरी मेरी नानी ने चूल्हा जलाना शुरू कर दिया, ऑलमोस्ट अभी जली चुका है। और ये मैं अपने साथ लेके आ गई हूँ सामान। इसके ऊपर रख के जलाएंगे बैंगन और टमाटो। बैंगन के अंदर मैंने भरा हुआ है लहसुन और मिर्चा, ताकि इसमें थोड़ा सा अच्छे से आ जाए। थोड़ी देर में अब हम इसको इसके ऊपर रख के, काफ़ी ज़्यादा ही धुआं हो रहा है। और गाइस, ये प्याज हमारा कट के रेडी हो चुका है। और ये चटनी के लिए धनिया पत्ता, लहसुन मिर्चा और टमाटर जो हमने वहाँ पर चूल्हे के ऊपर अब हम चढ़ाएंगे। और ये आलू हमने पहले से बॉईल करके रखा हुआ था, तो गाइस ये हमने रख दिया अब चूल्हे के ऊपर। बैंगन को और टमाटर भी रख देती हूँ। ये टमाटर पे मैंने ना हल्का सा ना कट लगाया हुआ है, ताकि जब इसे छीलूं तो दिक्कत ना आए कोई। देख सकते हो आप इस तरह से इसमें दूंगी। ये होते रहे तब तक हम सत्तू का मसाला बना देते हैं। अभी सत्तू तो आ गया है, इसमें हम सबसे पहले डालेंगे नमक स्वाद अनुसार, एज यूजुअल अपने हिसाब से पसंद है भाई। उसके बाद इस पे हम डालेंगे हींग। मैं इतनी प्रोफेशनल शेफ तो हूँ नहीं, सो हींग में अपने हिसाब से डालेंगे। और उसके बाद हम ये सारा इंग्रेडिएंट्स, नींबू, कटे हुए मिर्चे और लहसुन और अदरक, ये सब हम इस पे अब मिक्स कर देंगे। नींबू भाई खट्टा के अनुसार, मुझे खट्टा खाना थोड़ा ज़्यादा पसंद है, खास करके नींबू। मैं इसमें एक नींबू पूरा डाल रही हूँ, इससे टेस्ट काफ़ी बढ़िया आता है, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। और इसके ऊपर अब हम थोड़ा सा इसे अब इस तरह से कर लेंगे, और ज़्यादा सूखा भी नहीं और ज़्यादा गीला भी नहीं बनाएंगे। आप सबको तो पता ही किस तरह से बनाया जाता है, अब मैं क्या ही बताऊँ। इस तरह से लाइक जैसे पकड़ में आए, तो ये पकड़ में तो आ नहीं रही, तो हम इसमें हल्का सा पानी ऐड कर सकते हैं। और ये हमारे बैंगन अब पक के ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं। टमाटर को हमने उतार दिया क्योंकि वो तैयार हो चुके थे। और फिर इसके बाद इसमें मैंने अलग से ऐड अभी किया ज़रा सा मिर्ची पाउडर और जीरा पाउडर, ये मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। इसमें हम थोड़ा सा हल्का हल्का करके पानी ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, ताकि इसका जो टेक्स्चर है वो ज़रा और अच्छे से बन जाए। पापा मेरे पहुँच चुके हैं एंड वो बहुत ही ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। और हमारा बैंगन और टमाटर भी रेडी हो चुका है, हम इसे चटनी बनाएंगे और बैंगन तो सानेंगे, ऑब्वियसली बैंगन चोखा। चलिए फिर हम अपने चूल्हे की तरफ चलते हैं। उधर हम ये हमने आटा पॉप देख ही रहे हैं, इस पर हम स्टफिंग करेंगे।
स्टफिंग करने के बाद इसको मुझे इसमें खास कुछ आता नहीं है इस तरह से, और इसे हम अपने फाइनली चूल्हे पर देंगे। और ये ऑलमोस्ट पक रहा है देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, खाने में कैसा होगा मैं तो बड़ा एक्साइटेड हूँ भाई। बाहर में वाव, इस तरह के मौसम में ठंडी ठंडी। चलिए फिर जब पक के दिखाएगा तब मैं आपको दिखाती हूँ, तब तक मैं थोड़ा जल्दी जल्दी ये सब कर लेती हूँ फिनिश। काफ़ी ज़्यादा क्रंची है और पहला जो है बाइट थोड़ा सा तो वही पहले हमारे ब्रह्मदेव को, उनकी वजह से हम खा पाते हैं, और इसके बाद दूसरी बाइट मेरी काफ़ी ज़्यादा थी। देखो वाओ, इसे चटनी के साथ खाऊंगी तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा। तब तक मैं सारा बना लेती हूँ। सबसे पहला पापा के लिए, और इसमें मैंने और पहले से ही घी लगा के रख दिया है। ये चोखा हमने बना लिया है, चोखा मम्मी ने इसमें आलू मटर और प्याज लहसुन सब कुछ ऐड किया। देखने में तो काफ़ी ही टेम्पटिंग लग रहा है, काफ़ी अच्छा। खाने में कैसा लगता है ये तो भाई हमारे पापा ही बताएंगे। थैंक यू। मेरा वाइफ का जो पापा है ना, जो भी बनाते हैं ना बहुत अच्छे बनाते हैं। बेटी भी ने भी मेहनत किया है भाई, तो उनका भी थोड़ा तारीफ कर दीजिए, ऐसे भाई शर्मिंदा ना करें हमें। पापा को तो काफी अच्छा लगा, और अब मैं भी खाने जा रही हूँ और सब खाने जा रहे हैं। वेल, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट शेयर और लाइक जरूर कर देना, एंड कमेंट करके बताना कि आपका फेवरेट बिहारी फूड या झारखंडी फूड कौन सा है। एंड तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट एंड हैप्पी विंटर।